अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान मलिक। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं तैयब उस्मान रंधावा साहब, जो एडवोकेट हैं लाहौर हाई कोर्ट के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से? शुक्र अल्लाह ताला का। सर, एक सीनियर वकील बनने के लिए किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? सबसे पहली बात तो आपने आपको इस चीज़ के ऊपर आपको आमादा करना होता है कि आपने वकालत करनी है। बहुत सारे दोस्त हमारे वो वकालत तो करते हैं लेकिन बाद में किसी जॉब में चले जाते हैं, कुछ और एक्टिविटी बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो ये अज़्म करना होता है कि वकालत हमने करनी है, क्योंकि वकालत के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। अगर आप को 24 घंटे के अंदर से 22 घंटे पढ़ना पड़े तो मेरे ख्याल में वो भी कम है, लेकिन जब आप ये स्ट्रगल जो है जारी रखते हैं, अल्लाह पाक की ज़ात आपको इज़्ज़त अता करती है। आप चूँकि देखें, चोर चोरी करने में मेहनत करता है, अल्लाह पाक की ज़ात उसको कामयाब कर देती है, ठीक है। और पुलिस वाले चोर को पकड़ने में मेहनत करते हैं, अल्लाह पाक की ज़ात उनको कामयाब कर देती है। हम अपनी फाइल को स्टडी करते हैं, अपने किसी भी क्लाइंट को उसकी जो रिलीफ बनती है वो लेकर देने के लिए, और अल्लाह पाक की ज़ात हमें कामयाब कर दे। मेहनत का सिला अल्लाह पाक की ज़ात ने मेहनत का फल उसे देना ही देना, ठीक है। उसने गलत किया सही किया वो उसकी सज़ा है, उसकी जजा है, वो अल्लाह पाक ने रोज़े क़यामत को उसको देनी है। लेकिन जो स्ट्रगल है मेरे नज़दीक, वो अल्लाह पाक की ज़ात उसका फल उसी वक्त अता कर देता है। तो वकालत के अंदर आप देखें, सबसे पहले आप ला करते हैं, पहले 3 साल था, अब 5 साल हो गया। ये जब तक आपने अपनी नियत नहीं की होनी चाहिए कि जी मैंने ये काम जो है इसको आखिरी मराहल तक लेकर जाना, कि यानी कि मरते दम तक यही करना है। जुडिशरी में कुछ लोग चले जाते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि हम जज बने, क्योंकि उसके लिए भी ला ज़रूरी है, तो वो भी ठीक है। लेकिन जो वकालत है, वकालत के अंदर बहुत बड़ा दिल चाहिए और आपको अपनी घर से सुकून चाहिए। उसकी रीज़न ये है, जब आप अपने घर से सेटिस्फाइड होके आएंगे और अदालत में पेश होंगे, आपको पीछे से कोई फिक्र नहीं होगी। आप यकीनन ना तो कोई गलत केस प्लीड करेंगे, ना किसी गलत केस के अंदर आपका वकालतनामा जाएगा, ना कोई मुजरम जो होगा वो कानून से बचेगा। जब हम लोग अपनी ज़रूरियात को देखते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे मामलात जो है वो नज़रअंदाज हो जाते हैं। आप सर गुजरांवाला के रहने वाले हैं, लेकिन आपने लाहौर में अपनी वकालत शुरू की, ये कैसा था वाकिया कि आप कैसे एक वकील बने और गुजरांवाला से आप लाहौर आए? लाहौर में आपने माशाल्लाह अपना बड़ा प्यारा ऑफिस बनाया, आप बैठे हैं, और आपने एक वेलफेयर भी बनाई है मोहम्मद वेलफेयर के नाम से, कि किसी भी गरीब का कोई केस है किसी किस्म का भी है तो मेरे दरवाज़े मेरे ऑफिस के खुले हैं, वो आएँ इधर आके मुझे अपना केस दें। बेलोस आपने कहा कि मैं वो केस लड़ूँगा, क्या वो सर ख्याल था, क्या ऐसी वजह थी? उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाँव से यहाँ पर आए हैं। मैं भी एक कस्बा है अलीपुर चट्ठा गुजरांवाला का, वहाँ से यहाँ पर लाहौर के अंदर आया हूँ, और वो कहते हैं ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। तो बात इस तरह से है कि यहीं पर मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद मास्टर्स एलएलएम यहीं पर मैंने किया, और जब इतनी देर यहाँ पे, कहते हैं कि लाहौर जो है ना ये बड़ा प्यार और मोहब्बत देने वाला शहर है, लेकिन यहाँ जब यहाँ पर मैंने ये प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट की, चूँकि लाहौर की बार जो है एशिया की सबसे बड़ी बार है, और इसके अंदर प्रैक्टिस करने को मैंने ये दूसरी बार्स के ऊपर प्रेफरेंस जो दी, इसलिए कि मैं कुछ ज़्यादा सीख सकूं, लर्न कर सकूं, अच्छे लोग हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अच्छे सीनियर्स हैं, और बहुत अच्छे उस्ताद मुहतरम जो है वो मुझे अल्लाह पाक की ज़ात ने दिए, और उनसे काफ़ी कुछ लर्न करने को मिला। तो ये अपने चूँकि हमारे एरिए के अंदर
क्राइम रेशो बहुत कम है, इसलिए वहाँ पर मुझे वो चीज़ें सीखने को नहीं थी मिलनी जो यहाँ पर सीखी। और जब यहाँ पर सीख ली फिर वहाँ की प्रैक्टिस और यहाँ की प्रैक्टिस दोनों डिफरेंट, लॉ क्या है प्रैक्टिस क्या है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो वहाँ की प्रैक्टिस में और यहाँ की प्रैक्टिस में मुझे बहुत डिफरेंस नज़र आया, इसलिए फिर मैंने मुझे यहीं पे, चूँकि मैंने ये होम टाउन ही मेरी होगी लाहौर बार जो है, इसलिए मैंने फिर यहीं से जो है वो स्टार्ट लिया और यहीं का होकर रह गया। तो सर आपने माशाल्लाह वेलफेयर बनाई है मोहम्मद वेलफेयर के नाम से, माशाल्लाह अपनी वेलफेयर में आपने ये सब, अपने वकला बरादरी में आपका बड़ा नाम है तैयब उस्मान रंधावा, कि आपने ये एक मैसेज दिया कि किसी भी गरीब का कोई केस है किसी किस्म का भी, वो मेरे पास आए, मैं बेलोस उनका केस लड़ूंगा और मेरे उसमें कोई मेरी वो लालच नहीं है। सर कैसे ये आप मैनेज करते हैं? देखें बात इतनी सी है कि कुछ काम जो है ना हमें अपनी आखरत के लिए भी करना चाहिए, ये ज़रूर बात हकीकत है कि ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, लेकिन मेरा जो पर्सनल क्लाइंटेज है मैं उनसे तो अपनी फ़ीस चार्ज करूँगा, लेकिन वो लोग जो किसी मजबूरी में किसी पुलिस वाले के लिखे हुए कलम की वजह से, उसके कलम की मिस यूजिंग की वजह से, अगर उसका नाम किसी FIR में आ गया है, किसी ने ऐसे हमारी माशरे की एक बहुत बुरी रवायत पड़ गई है कि कोई भी आप FIR उठा के देख लें उस FIR के अंदर 2-4 नामालूम अफराद होंगे, और वो नामालूम वो अफराद होते हैं जो किसी के साथ मुश्किल में चलते हैं, और उन अफराद को नॉमिनेट उस वक्त कर दिया जाता है जब वो किसी के साथ थाने में कचहरी में इर्द गिर्द उसके साथ चलते हैं कि यार आपने ख़ुद को अकेला नहीं समझना, इसलिए उन लोगों के नाम डाल दिए जाते हैं। और फिर जब उन लोगों के नाम ये लोग अपनी कलम का मिस यूज़ करते हुए डालते हैं तो फिर अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो हम जैसे लोग भी उन्हें मुहैया कर देते जिनके पास पैसे नहीं होते, और वो बेचारे कभी इसके दर कभी उसके दर कभी उनके दर कभी दर बदर वो ऐसे दर बदर हो जाते हैं कि उनको पता नहीं होता हमने कहाँ पे जाना है, हमारे पास पैसे नहीं, किसने हमारे साथ चलना है। इसलिए उन लोगों को जो है एक समझ लें कि अल्लाह पाक की ज़ात की तरफ से हम जो है वो मदद फराहम करते हैं ताकि वो बेकसूर होते हैं, मज़लूम होते हैं, बेगुनाह होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी ज़ाती मफादात की वजह से उनको किसी दावे में किसी FIR में उनका नाम लिख देते हैं और उनकी सारी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, इसलिए हम उनके साथ चलते हैं ताकि उनको इंसाफ दिलाया जा सके। लेकिन ये सर ये किसी के ख़िलाफ़ FIR हो जाए तो सर उसका फ्यूचर क्या है? एक FIR हो जाए तो सर उसका फ्यूचर क्या है कि जैसे उसने किसी भी जगह पे जॉब करनी हो कुछ भी करना हो तो सर उसको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये करूँगा कि बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं कि अगर FIR उसके अंदर जब तक बंदे को सज़ा नहीं हो जाती, कन्विक्शन नहीं हो जाती, उस वक़्त तक उस बंदे के ख़िलाफ़ कोई भी मतलब डिपार्टमेंट एक्शन नहीं लेगा, मतलब अगर वो किसी जगह जॉब कर रहा है या किसी जगह जॉब अप्लाई करनी है, क्योंकि वो अभी तक इनोसेंट है, उसको कोर्ट के ऑर्डर से जो है वो कन्विक्शन होनी है, जब उसको कन्विक्शन होनी है तो तब भी उसको जो है सज़ा याफ्ता कहेंगे ना हम, उसके बाद जो उसको जॉब नहीं दी जा सकती, किसी जॉब से सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन अल्टीमेटली होता ये है भाई, जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त चल रहा है, क्रूशल टाइम चल रहा है, हर नौजवान वो जॉब के लिए दर बदर जो है वो आ रहा है जा रहा है, CV दे रहा है लोगों को, कुछ लोग कहानियाँ सुना रहे हैं हम आपको जॉब दिलवा देंगे, और इस वक्त के अंदर जब कोई बंदा अपने मोहल्ले में FIR करवाए और 4-5 लोगों को जनाब वो नॉमिनेट नहीं बल्कि नामालूम कर दे, ठीक है, वो बंदे जब उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है उन स्टूडेंट्स को, उनकी लाइफ तबाह हो जाती है। नो डाउट के जजमेंट्स हैं, लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट वो कहता है जब हमारे पास एक फ़्रेश चीज़ मौजूद है
तो हम किसी दागदार इंसान को क्यों यहाँ पर जगह दें? उसकी रीज़न ये है, वो कहते हैं कि कल को जब इसको इक्तदार मिलेगा, ये अपनी जॉब को कंटिन्यू करेगा, मे भी ये अपनी जॉब का मिसयूज़ करते हुए उनको नुकसान पहुंचाए और अपना बदला लेने की कोशिश करे, वो भी अपनी जगह पे ठीक होते हैं। लेकिन एक बंदे को गलत नामज़द करने का जितना नुकसान उसकी लाइफ में, उसके फ्यूचर को होता है ना, और किसी को नहीं होता। तो अगर जिसके ऊपर FIR हुई होती है, अगर अदालतों से उसको क्लीन चिट मिल जाती है, तो सर फिर भी वो दाग तो उसके वो रहता है, उसका क्या हमारा कानून कहता है कि इसको क्लियर करने के लिए? सबसे पहली बात तो ये है कि आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि ऑनरेबल कोर्ट्स जब बंदे को एक्विटल देती हैं तो वो ग्राउंड्स मेंशन करती हैं। कुछ लोगों को ऐसे बातें करने की आदत होती है, वो ये पेन ले लेंगे उस पर भी उनको एतराज़ होगा, ये वॉलेट ले लेंगे उस पर भी उनको एतराज़ होगा, ये पेज तो सही नहीं है, ये हमारे फलां एरिए के लोग जो ना वो पेज अच्छे बनाते हैं, हर चीज़ पे उनको ऑब्जेक्शन होता है। इसलिए ऑनरेबल कोर्ट्स के फ़ैसलों को बहुत मैंने देखा कि आजकल लोगों को तकलीफ़ हो रही है, लेकिन उसके अंदर कभी भी हमारे भाइयों को या हमारे जो जितने भी दोस्त हैं, जानने वाले लोग हैं, वो अगर जजमेंट को पढ़ने की कोशिश करें तो उसके अंदर उन्हें ग्राउंड मिलेगी किस ग्राउंड पे उन्हें एक्विट किया है। और जब कोर्ट से किसी बंदे की एक्विटल हो जाती है, वो बरी हो जाता है, किसी बंदे के पास पावर नहीं है कि वो उसको दागदार कहे, वो उसको गलत कहे, या वो कहे जी ये वाकई उसमें मुलव्वस था। आप देखें, सबसे पहली बात मैं एक आपके सवाल के बगैर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आजकल बहुत सारे लोग ये कहते हैं इंसाफ नहीं रहा, ठीक है जी ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। मुझे सिर्फ इतनी सी बात का जवाब दे दें कि यहाँ पर अगर कोई मर्डर हो जाता है तो उस मर्डर का मदई कौन बनेगा, उसका कंप्लेनेंट कौन बनेगा, उसका मुस्तगीस कौन बनेगा? ठीक है, मुस्तगीस वही बनेगा जो मेरा जानने वाला होगा, मेरी फैमिली मेंबर में से कोई आएगा, वो मेंबर्स में से कोई आ गया एप्लीकेशन देगा, उसके ऊपर आगे FIR जो है वो कटेगी। अब मुझे ये बताएं कि अगर FIR वो बंदा कटवाएगा जिसने वकुआ देखा ही नहीं, जो कंप्लेनेंट होता है जिसने FIR करवाई होती है, जिसको हम आजकल मुदई बोल देते हैं लेकिन ये लफ्ज़ मुस्तगीस होता है क्रिमिनल में, वो बंदा जब शहादत देने के लिए अदालत में जाएगा तो क्या उसने जब वकुआ ही नहीं देखा तो उसको सज़ा होगी? यही बात हमारे लोगों के अंदर, हमारे दोस्तों के अंदर, हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में ये चीज़ अगर डिवेल्प हो जाए कि जिसने जो देखा है अगर वो उसके साथ खड़ा होके उसका साथ देना शुरू कर दे तो यकीनन लोगों को इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन जब किसी ने देखा ही नहीं होता वकुआ जिसने देखा होता है विटनेस वही कहलाता है, ठीक है, वो बंदा विटनेस होता है जिसने सारे फैक्ट्स को, सारी चीज़ों को उस वक्त देखा हो। अब अगर वो बंदा जिस जो कंप्लेंट बना वो भी उधर मौजूद नहीं था, जो गवाह थे वो भी उधर मौजूद ना थे, और जब अदालत के अंदर वो केस पुट अप होगा तो फिर मुझे ये बताएं कि अदालत ने तो एक्विट करना, अदालत ने तो किसी को सज़ा नहीं देना, उसके लिए तो दोनों ही बराबर हैं, ठीक है। एक्यूज्ड इज़ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, मुलजम को थोड़ी सी रायत इसलिए दी जाती है कि अगर वो बेगुनाह हुआ तो जज साहब ने अपने ऊपर तो नहीं ना, उन्होंने अपनी आखिरत को भी देखना। तो इसलिए सबसे पहले हमारे जो लोगों के लिए मैसेज है, जो जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, काइंडली अगर आपके साथ कोई इस तरह की ट्रेजडी हो जाए, जितने राहगीर हैं, जितने इर्द गिर्द के लोग हैं, उनसे कोशिश करें कि वो उस जगह के कंप्लेनेंट बने, उस FIR के कंप्लेनेंट बने, तो वो उसको सारे मामले को टैकल करें, उनको आप लेकर जाएं, लेकर आएं। असूली तौर पे तो उनकी ये अखलाकी ड्यूटी बनती है
लेकिन फिर भी अगर आपके साथ कोई इंसाफ के लिए चल रहा है, जैसे सूरत हाल आजकल चल रही है कि किसी के पास दो वक्त की रोटी नहीं है, कोई बंदा वो दो वक्त की रोटी कमाएगा कि आपके साथ अदालतों में धक्के खाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि उनके घर वालों को अकामोडेट करें कि जी हम आपके ज़िम्मेदार हैं, आप हमारे साथ चलें। आपने चूँकि सारा कुछ रियल फैक्ट्स जो है आपको मालूम है, आप चलें कोर्ट में, आप जाके एविडेंस करवाएँ, हम आपकी फैमिली को देखेंगे, उनको सपोर्ट करें। और यकीनन इस तरह इंसाफ जो है वो लोगों को फ्राहम किया जाएगा और जो बरीयत की है रेशो वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि लोग बेनिफिट ऑफ डाउट जो है, यानी कि जिसने देखा नहीं है उसको पता नहीं है, जब पता नहीं है तो फिर वो एविडेंस के अंदर कहीं ना कहीं क्रॉस एग्जामिनेशन में वो उसकी क्रेडिबिलिटी को जब शेक किया जाता तो कहीं ना कहीं अपना दम तोड़ जाता, तो उसकी रीज़न फिर जो ये होती है कि कल को फिर उसको अनरेबल कोर्ट जो वो इक्विट कर दी जाती है। फिर लोग कहते हैं जी ये ऐसे जज बिक गए हैं, वकील बिक गए हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, जस्ट हमारी छोटी सी गलती होती है कि हमने वो लोगों को गवाह और उन लोगों को मदयत में नहीं रखा होता जो मौका पर मौजूद होते हैं। तो सर एक ये भी आप बता दें कि जो एक पाकिस्तानी शहरी है उसके क्या राइट्स हैं सर, क्योंकि कुछ ये हमारी जो आवाम है कहने के हम शहरी हैं, शहरी के क्या हकूक हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की जो आर्टिकल है 8 से लेकर ना 28 तक, उसको आप ये देखेंगे कि ये जो राइट्स हैं ये हमें फराहम किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, ठीक है। अब इन राइट्स के अंदर राइट ऑफ स्पीच है, राइट ऑफ फ्रीडम है, राइट ऑफ लिबर्टी है, ठीक है, ये सारे हमें जो राइट्स फराहम किए गए हैं। अब मैं अर्ज़ ये करूँगा, अगर इन चीज़ों का हमें मालूम इल्म नहीं होगा, इल्म उस वक्त होगा जब हम स्टडी करेंगे, स्टडी उस वक्त करेंगे जब हम अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालेंगे। आप देखें कि सबसे पहले किताबें थी, किताबों के बाद मोबाइल आया, मोबाइल के बाद लैपटॉप आया, लैपटॉप के बाद आईपैड, अब इस तरह की आगे गैजेट्स वगैरह आती, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा इदारा फ़राए सारे अंजाम नहीं दे रहा जो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को ला की अवेयरनेस दे। देखें हम कोई बियॉन्ड द सोसाइटी नहीं है, बियॉन्ड द ला नहीं है, हमारा कुछ तरह से कोई भी करैक्टर उछाल देते हैं लोग कि ऐसे हैं वैसे हैं, सिर्फ हमारे अंदर एक चीज़ है कि हमने ला पढ़ा होता है, हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, इसकी जो है ये जुर्म है इसकी सजा कितनी है, ये जुर्म बनता है नहीं बनता। एक बंदे ने FIR दे दिया, FIR के कंटेंट्स हैं जो उस जुर्म के मुताबिक हैं या नहीं हैं। अर्ज़ ये करने लगा हूँ कि एक इदारा, देखें ये प्राइवेट लोगों का काम नहीं है, ये पब्लिक को अवेयरनेस देना गवर्नमेंट का काम है, कोई एक इदारा डेवलप होना चाहिए जिसमें लोगों को अवेयरनेस मिली, ठीक है। ट्रैफिक के कवानीन वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट वाले बताते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो क्लासेस हैं, जिस तरह दूसरे हम मिस्टर चिप्स और ये दूसरे तीसरे जो नावल पढ़ते रहते हैं, इसका हमारी जाती ज़िंदगी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमें चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि जो लोग वकालत करें उनको ही सिर्फ ला का पता होना चाहिए, हमने तो एक प्रोफेशन चूज़ करना होता है, प्रोफेशनल डिग्री जो है वो हासिल करनी होती है, लेकिन कम से कम जो हमारे राइट्स हैं वो हमें किताबों की शक्ल में वो पढ़ाए जाने चाहिए, ताकि कोई भी बंदा कोई भी ऐसा इंसान हमें चीट ना कर सके और हमारे राइट्स को जो अवेल करने से हमें ना रोका। जी आपने तैयब उस्मान रंधावा साहब की बात सुनी है, वो यही कह रहे थे कि हमें भी चाहिए, शहरियों को भी चाहिए और पाकिस्तान के जो रहने वाले लोग हैं उनको भी चाहिए कि कानून पढ़े, उनको अपने राइट्स का इल्म हो, उनको पता हो कि ये वकला बरादरी पे नहीं आता, हम लोगों की भी ये ज़िम्मेदारी है कि हमें भी कानून का पता हो, हमारे राइट्स का पता हो, तो इंशाल्लाह इससे ये होगा कि हमारे क्राइम में कमी आएगी, क्योंकि जब हमें
कानून के बारे में पता होगा और वो हम ऐसी गलतियां नहीं करेंगे जिस पे हमारे खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हो। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद रिजवान मलिक, जहां न्यूज़ HD लाहौर। मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ।